लगता है बस। नहीं वो अचानक से वरना अभी हो चुका है। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल शेख सिस्टर्स की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। तो मैं निकल चुकी हूँ ऑफिस के लिए। रोज़ रोज़ आप लोगों को ये बता के मैं भी थक चुकी हूँ, बट क्या कर सकते, जो रोज़ है वही बताना पड़ेगा, तो मुझे वो वीडियो बनानी पड़ेगी। हाय, मेरा नाम प्रिया है, वो वाली वैन वाला आप लोग सब ने देखे होंगे इंस्टाग्राम पर। मेरे को भी वैसा रोज़ करना पड़ेगा शायद। तो गाइस, मैं ऑफिस आ चुकी हूँ और मैं तभी बोल रही थी, वो आप लोगों ने इंस्टाग्राम पे वीडियो देखे होंगे, वो प्रिया वाली। हाय, मेरा नाम प्रिया है, मैं वैन में रहती हूँ। तो मैं बोल रही थी कि मुझे भी ये वीडियो बनानी पड़ेगी कि मेरा नाम नवीर है, मैं घर में कम ऑफिस में ज़्यादा रहती हूँ। मैं ऑफिस आ चुकी हूँ क्योंकि वो वैसे ही हो रहा है ना, रोज़ मैं वीडियो शूट करती हूँ तो वही स्टार्ट होता है कि गाइस हाँ अस्सलाम वालेकुम, मैं निकल चुकी हूँ ऑफिस के लिए। तो मुझे भी ऐसा लग रहा है कि रोज़ मेरे साथ भी होता है तो मुझे भी वैसी वीडियो बनानी चाहिए, है ना। बनाती हूँ मैं वैसी, अब से रोज़ मैं ऐसी बोलते हुए स्टार्ट करूँगी मेरा व्लॉग, आज से ही कर देती हूँ। हाय, मेरा नाम नवीरा है, मैं ऑफिस में घर में कम ऑफिस में ज़्यादा रहती हूँ। और ऑफिस में, ऑफिस को इंग्लिश में क्या कहते हैं, ऑफिस को हिंदी में क्या कहते हैं ज़रूर बताना, ऐसे अभी मेरे को प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, उसके लिए बनाऊंगी मैं एक दो बार प्रैक्टिस करके आप लोगों के लिए। तो गाइस, मॉर्निंग हो चुकी कब से, तो अभी मैं बैठी हूँ और मैं साफ़ कर रही हूँ। बाज़ार वगैरह आया तो मैं यहाँ पे सब कोथमीर वगैरह धनिया साफ़ करके, देखो मैंने सब टमाटर और मिर्ची उर्ची तोड़ के इसमें रखती हूँ, सब क्लीन करके फ्रिज में रखती हूँ, वरना फिर सब पसारे के ऐसा हो जाता है, सब मैंने अलग अलग कर दी। और आज बन रहे घर में दाल चावल कीमा, तो दाल तो रानी बना रही है क्योंकि मेरे से दाल अच्छी नहीं बनती है, और मैं कीमा बनाऊंगी। आप लोगों को तो पता है मैं कीमा स्पेशलिस्ट, अलग अलग तरीके की मैं आज भी ऐसे कच्चा ही सब चढ़ा दूँगी, जैसे अम्मी जब अजमेर जा रहे थे टिफिन के लिए बनाई थी वैसे ही सेम बनाऊंगी। आज रोटी की छुट्टी है तो फिर मिलते हैं बाद में आपको, बीच में मिलती हूँ खाना पकाते वक्त। तो गाइस, गैस का हाल देखो, सिर्फ एक दाल बनी है और गैस का हाल मेरी नानी ने ऐसा कर चुकी है। तो गुस्सा आती ना मेरे को ये चीज़ से, बहुत चीड़ मचती है। रात को सब क्लीन करके सो और सुबह में फिर ये ऐसे हाल हो जाते हैं। इसको पहले घसूंगी फिर कीमा चढ़ाऊंगी। तो गाइस, कल से सेट नहीं आने वाले, हम लोग को बहुत खुशी हो रही है ना रेखा मैम, खुशी देखी इसकी खुशी सबसे ज्यादा, देखो भगी इधर आ, इधर आ, इसकी खुशी सबसे ज्यादा, और इधर ये कल से नहीं आने वाला है। सिड नहीं आ रहा है ना, पक्का की टोपा दे रहा है। सो गाइज, तो नमीरा का ट्रीटमेंट शुरू होने जा रहा है। कार्बन लेजर तो लगता है बस, नहीं वो अचानक से वरना अभी नहीं लगता। हाँ, कुछ लग रहा है नहीं ना, फिर
तो गाइस मेरा हो चुका है, देख सकते हैं आप लोग। तो गाइस मेरा हो चुका है, अभी थोड़ा है बट हो जाएगा, सही रेडनेस है वो कम हो जाएगी उन्होंने बोला, क्योंकि अभी भी ट्रीटमेंट हुआ है लेकिन ग्लो काफ़ी अच्छा है। अभी हम लोग हो गया, हम लोग बाहर निकले खाने के लिए, कुछ ले रहे ना मम्मी ये सब, कचौरी खाएंगे, कितना बड़ा मुंह दिख रहा है। तो गाइस हम लोग घर पे आ गए हैं और अभी हम लोग का यहाँ नाश्ता चल रहा है। अच्छा, इसका हाथ दिख रहा है सड़ेला, अच्छा हाथ है, बढ़ाऊंगी कार के लिए खाते। तो गाइस हम लोग का खाना वाना हो गया और अभी हम लोग चले सोने के लिए। और आजकल ऐसे हो रहा है, हमारे तीन तीन दिन के ही व्लॉग बन रहे हैं, तो क्योंकि बहुत छोटे छोटे क्लिप्स हो रहे हैं तो हम लोग सोच रहे कि तीन चार दिन का एक साथ मतलब हो जाए तो वो आप लोगों को देखने अच्छा लगे, कुछ अलग अलग चीज़ें आपको चारों तीन चार दिन में देखने मिलेगी। और एक और चीज़, मैंने ट्रीटमेंट पूरी तरीके से शूट नहीं करी क्योंकि अम्मी थे साथ में, शादा नहीं थी, अम्मी से जितना हो पाया उन्होंने शूट करे। और मेरा ट्रीटमेंट एक्चुअली था कार्बन लेज़र, जो मेरे एक्ने स्कार्स हो चुके हैं, मार्क्स हो चुके हैं, आप लोगों को दिखते हैं वो उन्होंने बोला कि तीन चार में सिटिंग्स लूँगी तो वो कम होगा। अब ये मेरा फर्स्ट सेशन था, अगर इसके बाद इंशाल्लाह दो तीन बार और मैं करवाऊँगी तो थोड़ा लाइट हो जाएगा। ये मेरी चर्बी से हुआ है, मैंने नाखून से कर करके इतना कर दिया, अगर वो आता था और मैं उसको कुछ नहीं करती तो हो जाता था, सही मार्क्स नहीं आते थे, बट मैंने नाखून से नोच ली तो इतना सब कुछ मैंने अपनी मर्जी से कर लिया, अपने हाथों से बिगाड़ ली। और मेरा उसके कार्बन के साथ साथ उन्होंने मेरा अपना क्या बोलते हैं उसको, हाइड्रा का जो था कॉम्प्लीमेंट्री के हाइड्रा फेशियल में जो करते हैं, उन्होंने मेरे को, मुझे बहुत ज़्यादा ब्लैकहेड्स वाइटहेड्स बहुत ज़्यादा हो गए थे, उन्होंने इतने अच्छे से करा, मुझे बहुत अच्छा लगा, मतलब बहुत अच्छे से क्लीन हुआ मेरा फेस। क्योंकि आप लोगों को अभी वो नज़र नहीं आएगा क्योंकि उन्होंने बोला था कार्बन में ग्लो नहीं आता है, बट वो जो रिज़ल्ट मुझे पता चला वो मुझे पता चल रहा है क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा निकला। और अम्मी सामने खड़े रह के देख रहे थे कितना निकल रहा था ना अम्मी स्किन में से, बहुत ज़्यादा निकल रहा था, इतने वाइटहेड्स यहाँ हो गए थे, यहाँ तो बहुत ज़्यादा हो गए थे मेरे को, और यहाँ तो बहुत अच्छे से उन्होंने क्लीन करे, कॉम्प्लीमेंट्री हम लोगों को दिए। और उन्होंने बोला था अभी ऑफर है तो कर ही रहे वो, और एक दो चीज़ उन्होंने एक्स्ट्रा भी की, कुछ तो किए उन्होंने, पता नहीं अब मेरे को भी। और मैं सोची थी कि मैं एंटर होते साथ मतलब अच्छे से शूट करूँगी, बट मेरे को शर्म आती, फर्स्ट टाइम मैंने आप उन लोग से मिल गई, घुल मिल गई, तो नेक्स्ट टाइम जाऊँगी तो मैं अच्छे से शूट करूँगी और अच्छे से पूरा शूट लूँगी उसमें क्या होता है क्या नहीं, ताकि आप लोग भी देख सको प्रॉपरली। नेक्स्ट टाइम मैं पक्का शूट करूँगी, इस बार थोड़ी शर्म आ रही थी क्योंकि सब लोग अननोन थे, अचानक गए अचानक हुआ, अभी हम लोग को आदत नहीं है इतना मतलब पब्लिक में बोलने की, घर पे बोल लेती हूँ मैं, बाहर भी थोड़ा बहुत बोल लेती हूँ, लेकिन सब ऐसे आसपास ही थे तो मैं इतना नहीं बोल पाई नेक्स्ट टाइम। लेकिन जिन्होंने मेरा किए वो बहुत अच्छे थे, उन्होंने बहुत अच्छे से मतलब ट्रीट किया, तो नेक्स्ट टाइम आई ट्राई माई बेस्ट कि मैं वहाँ बोल सकूँ अच्छे से और वो पूरा दिखा भी सकूँ लोगों का, जो भी पार्लर वगैरह है सब अच्छे से, एकेडमी बहुत एस्थेटिक था वो, बहुत प्यारा था, तो नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह आई ट्राई। तो गाइस मैंने और अम्मी ने वहाँ से एक दो चीज़ और ख़रीदे, एक फेस सीरम लिया जो हाइड्रेशन के लिए अच्छा है और सनस्क्रीन लिए, तो कल से वो भी मैं लगाऊंगी, देखते हैं उसका रिजल्ट कैसा मिलता है मुझे। पहले मैं दूसरी सनस्क्रीन यूज़ करती थी, वो भी अम्मी लाने वाले हैं, जब तक वो नहीं लाते तो ये यूज़ कर लूँगी। और अभी इसी के साथ मैं ब्लॉग यहीं एंड करूँगी, अगर ये ब्लॉग आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कॉमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना हमारे चैनल को, ऐसे ही अच्छे ब्लॉग्स के लिए प्लीज़ हमें सब्सक्राइब ज़रूर करें और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। एंड हाँ, प्लीज़ हिट द बेल आइकन। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, शब्बा खैर, टेक केयर।